दोस्तों, एक भाई का बड़ा ही अजीब और अच्छा मैसेज कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि आपने राहु पर पीएचडी कर रखी है। तो मेरे को देखकर हंसी भी आई और बाकी मैंने सोचा कि हाँ, मैं राहु के उपाय बहुत ज़्यादा डालता हूँ। शायद इसी करके इन्होंने प्रेम पूर्वक ही कहा है कि आपने पीएचडी कर रखी है राहु पर। तो ऐसा कुछ नहीं है, अनुभव होता है। अनुभव के अनुसार व्यक्ति आपको सामने वाला कोई उपाय बताता है और अनुभव के कारण ही उसको नॉलेज होती है कि कौन सा ग्रह ऐसा है और उसको किस प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है और उससे किस प्रकार से लाभ लिया जा सकता है। क्योंकि हर व्यक्ति के ऊपर कोई ना कोई महादशा चल रही होती है, कोई ना कोई ग्रह काम कर रहा होता है अपने अपने स्थान पर। आज मैं आपको फिर से राहु का एक ज़बरदस्त उपाय बताने जा रहा हूँ, जो कि राहु के साथ साथ बुध से भी संबंध रखता है। बुध यानी बुद्धि के कारक बुधदेव, और राहु जो चालाकी के कारक भी होते हैं, इंटेलिजेंसी के कारक भी होते हैं। और आज के समय में जितने व्यक्ति चालाकी से अपना काम लेते हैं, तो ये मान के चलें वह राहु है। धोखे का काम करवाना भी राहु का ही होता है, क्योंकि धोखा ही व्यक्ति वही करता है जो चालाक होता है। तो दोस्तों, आज का जो उपाय है वह केवल दशहरा यानी विजयदशमी के दिन ही होगा। इसके अलावा यदि आप कभी करेंगे तो केवल अमावस के दिन ही करें। यदि कोई वीडियो लेट देखते हैं तो अमावस तिथि आती है, तो उस दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं या किसी बुधवार को कर लें। लेकिन जो इसका इफेक्ट विजयदशमी के दिन पड़ेगा, वह हो सकता है उन दिनों में ना पड़े। एक इसके अलावा अमावस के दिन या फिर किसी ग्रहण के दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। यह लाजवाब, चमत्कारी, अद्भुत और बुद्धि को तेज करने वाला, व्यापार में वृद्धि करने वाला, अचानक से धन की प्राप्ति होना, चारों दिशाओं से पैसा आना, धन का आना। कई बार कई लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं, चारों दिशाओं से कैसे आएगा, हमारे पास तो कोई काम ही नहीं है। काम ना होना, उसके पीछे भी कोई रीज़न होता है। जब कोई प्लेनेट हमारा ख़राब हो जाता है, जब हम उसको बढ़िया बना लेते हैं, अच्छा बना लेते हैं किसी उपाय के जरिए, तो चारों दिशाओं से पैसा अपने आप ही आता है। कई बार कोई पैसा अटका होता है, कई बार क्या होता है कि हमें कोई सैलरी मिल जाती है, कोई अचानक से हमारे पास कोई काम आ जाता है, तो किसी प्रकार से भी आपके पास धन आ सकता है। अब उपाय की बात करूंगा तो यह उपाय राहु और बुध को लिंक किया गया है। यहाँ पर राहु को बुध के जरिए सही किया जाता है। यदि आपकी कुंडली में बुध और राहु दोनों खराब हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी ये होने वाली है। क्योंकि बुध बहन, बुआ, मौसी का कारक होता है, हमारी वाणी के कारक होते हैं, और जितनी भी बुद्धि से व्यक्ति काम लेता है वह बुध के काम होते हैं, और बुध को शामिल कर करके राहु अपना काम निकालता है। क्योंकि इन दोनों की जोड़ी को बहुत अच्छा माना गया है। हमेशा राहु जब भी कार्य करता है, बुद्धि के जरिए ही करता है, यानी बुध के साथ मिल करके। आपने सुना होगा कि यह बुद्धि को भ्रमित करते हैं राहु महाराज, और उसी बुद्धि को भ्रमित करने के बाद व्यक्ति गलत डिसीजन लेता है, गलत फैसले लेता है, जिससे उसके नुकसान होने शुरू हो जाते हैं। अचानक से जैसे राहु में बुध आए या बुध में राहु आए, तो बुध यानी हमारी बुद्धि भ्रमित होती है। कोई अच्छा अच्छी जॉब में व्यक्ति होता है तो वहाँ पर उसको लीव कर देता है। उसको ये मान होता है कि मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मुझे कहीं भी जॉब मिल सकती है। इसी प्रकार से एक व्यापारी, मैं कोई और व्यापार करता हूँ, उसमें इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो उसी समय कहीं ना कहीं राहु की कहीं दशा, अंतर्दशा या गोचरवश ऐसे स्थान में होता है जहाँ उसके राहु व्यापार को खराब करने के लिए तैयार बैठा होता है। तो व्यक्ति गलत डिसीजन लेता है, जिसके कारण उसको अपने व्यापार में जो अलग से व्यापार किया है, जो किया जिसमें है उसमें तो नुकसान होना ही है, जो अलग से जिसमें इन्वेस्टमेंट की है तो वहाँ भी लॉस में चला जाता है। यानी बुद्धि का भ्रमित होना बुध और राहु दोनों को कॉम्बिनेशन को माना जाता है। अकेले राहु कभी कुछ नहीं करते। राहु जिस राशि में हो, उस ग्रह की पावर को लेकर के या जिस ग्रह के साथ बैठे हों उसकी पावर को लेकर के फिर व्यक्ति के ऑरा में अटैक करते हैं। ये जो उपाय है यह गन्ने का उपाय है। गन्ना बुध को रिप्रेजेंट करता है, हरे रंग का भी होता है, इसमें जो रस होता है वह बुध को रिप्रेजेंट करता है। आपने दशहरे के दिन, शनिवार के दिन और 12 तारीख यह उपाय करना है, क्योंकि नौमी में दसवीं आ जाएगी, विजयदशमी। तो
तो उसी समय कोशिश करें इसको 12 बजे के बाद जब मर्जी करें शाम तक, दोपहर के 12 बजे से लेकर के संध्या सूर्यास्त होने तक जब मर्जी से उपाय को आप कर सकते हैं। आपने एक गन्ना, यदि आपको पॉसिबल हो तो एक गन्ने की पूरी डंडी ले लें, पत्ते सहित ले लें चाहे, या फिर छोटी मोटी कोई गन्ने की रस भरी हो, उसमें रस होना चाहिए, उसके आपने 4 पीस करने हैं बीच में से अलग अलग, लगभग अपने ये मान के चलिए कम से कम इतना होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने हाथ के बराबर यानी कोहनी के बराबर तक होना चाहिए उसका साइज। हाथ के बराबर भी आप 4 पीस ले लेते हैं तो वो भी ठीक है। अब आपने उन चारों को एक साथ अपनी मुट्ठी में पकड़ करके अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज 11 बार उतार देना है। यहाँ बुध का रोल अदा हो रहा है, आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है और सिर से घुमाने के बाद अब मैं आगे की ऑप्शन बता रहा हूँ। यदि आप कर सकते हैं तो इसको चौरस्ते में जाकर के रखाएं, जो भी 4 सड़कें मिलती हैं वहाँ पर जाकर रखाएं। आपके जीवन से हर बुरी बला, नेगेटिविटी, चाहे राहु की हो चाहे बुध की हो, बुध व्यापार के कारक होते हैं और बिना बुध और राहु के कभी व्यक्ति अपने व्यापार में आगे नहीं जा सकता, इतना ध्यान रखें, क्योंकि बुद्धि का होना भी बहुत ज़रूरी है और चालाकी का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो दोनों का रेमेडी आप एक साथ कर रहे हैं, इससे आपको व्यापार में बहुत फ़ायदा होगा, नौकरी सर्विस में आपकी तरक्की नहीं हो पा रही तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, आप आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे। एक बार करके देख लेना, 24 घंटे बाद आपका समय शुरू हो जाएगा करने के बाद। अब उसको या तो आपको चौरस्ते में रख करके आ जाना है और आते समय पीछे मुड़ के नहीं देखना है। दूसरी ऑप्शन ये है, 4 पीस लें, 11 बार अपने सिर से उतारें, एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घुमाना है और उसके बाद उसको खुली जगह में अपने घर से बाहर ले जाएं, जहाँ पर खुला कोई ग्राउंड हो, तो वहाँ पर चारों दिशाओं में फेंकें, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशाओं में फेंक करके अपने घर वापस आ जाएं। तीसरा जो उपाय है, तीसरी तरह से इन्हीं 4 डंडियों को, जो गन्ने की डंडी है, 11 बार उल्टा घुमा करके दशहरा ग्राउंड में संध्या के समय जिस समय रावण दहन होता है उसी समय उसी जगह पर दूर से फेंक करके वापस आ जाए। तो यह 3 प्रकार का उपाय है, लेकिन करने में बहुत आसान है, लेकिन इसका इफेक्ट इतना ज़्यादा है कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जिनको भी मैंने करवाया है उनको लाभ मिला ही मिला है 24 घंटे के बाद। यदि आप राहु से बहुत परेशान हैं, बुध से परेशान हैं, बुध के कारण या राहु के कारण, चाहे आपके नीच हों, ठीक है, या किसी भी शत्रु के साथ बैठे हों, या गोचरवश किसी ऐसे स्थान में बैठे हों जहाँ पर आपको बहुत तकलीफें हो रही हैं, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, किसी प्रकार की भी समस्या आपको है, तो ये मान के चलें वह समाप्त हो जाएगी 24 घंटे के अंदर अंदर। मे भी काफ़ी हद तक चांस है कि आपको जैसे ही ये उपाय आप करते हो 10 मिनट के अंदर आपको रिलीफ दिखेगा अपनी लाइफ में, अपने ऑरा में। और यदि आज की यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करें, शेयर अवश्य करें, और जितने भी नए दर्शक मेरे चैनल में आ रहे हैं और इस जानकारी को सुन रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों, यदि आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। नमो नारायण, जय जय श्री राधे।